जय जीवदानी, मैं कामिनी खन्ना यूट्यूब स्लैश ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से। अक्टूबर तक पहुंच गए हम, बस थोड़े ही दिनों में राहु और केतु बदल जाएंगे। बहुत बड़ी घटना होगी अक्टूबर के अंत में, जो कि महाराष्ट्र के पंचांग में नवंबर की डेट दी हुई है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया जो डेट है वो 30 अक्टूबर है। मैं आपको उसका विस्तृत वीडियो दूंगी। अभी फिलहाल मैं चर्चा कर रही हूँ आपसे, अक्टूबर महीना आपका कैसा रहेगा। बहुत ही महत्वाकांक्षी लोगों के लिए ये महीना बना है। इसका पूर्वार्ध और इसका उत्तरार्ध उतना ही सावधानी से आपको निपटना पड़ेगा। याद रखें, इस अक्टूबर में शारदीय नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं 15 अक्टूबर को। आप सबको आने वाले नवरात्र की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं मैं जीवदानी भक्त कामिनी खन्ना देती हूँ। आप सबको ये नवरात्रे बड़े ही शुभ जाएं। नवरात्रे में 22 तारीख को दुर्गाष्टमी है, कंजक पूजन के लिए ये दिन उत्तम है, और 24 तारीख को दशहरा है, तो दशहरे की भी मैं कामिनी खन्ना देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। अब इस महीने में जो पूर्वार्ध है वो इतना शुभ है कि आप बहुत सारे अपने काम बना सकते हैं। हालांकि आपके दिमाग में यही बात है कि श्राद्ध चल रहे हैं, तो जिन लोगों को श्राद्ध में ओपनिंग करने नहीं मिल रही है अपने नए काम की, उन लोगों को मैं बता दूं कि आप अष्टमी के दिन, मतलब श्राद्ध में जो अष्टमी आती है उस दिन, आप कोई भी नया काम जो है वो कर सकते हैं और उस दिन नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। या फिर आगे 15 अक्टूबर को नवरात्र शुरू होंगे, तब आप नए काम की शुरुआत करिएगा। चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर में कितने ग्रह कौन कौन सी डेट पे बदलने वाले हैं। ये सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये नहीं सुनेंगे आप तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको सावधानी कब बरतनी है और अपना काम कब पटा लेना है फटाफट। तो ये चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। कंसल्टेंसी के लिए मैंने नंबर दिया हुआ है, और इस बार मैं आपको ये भी खुशखबरी दे रही हूँ, पीछे मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट्स आए जिन लोगों को महीना वाइज प्रेडिक्शंस चाहिए थे, और व्यस्त रहने के कारण मैं उनको महीना वाइज प्रेडिक्शन नहीं दे पाई थी, जो मैं अब शुरू कर रही हूँ। आप लोगों में से किसी को कंसल्टेंसी ऐसी चाहिए कि महीना वाइज प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू आपकी कुंडली, क्योंकि जो कुंडली के विषय में मैं बात करती हूँ वो एक सार्वजनिक मसला होता है, और सार्वजनिक जितनी प्रेडिक्शन होती है वो 40% 50% सही होती है, बाकी 50% आपकी कुंडली काम करती है। तो मासिक प्रेडिक्शन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको विधि बताऊंगी कि कैसे आगे बढ़ना है, और पर्सनल कुंडली के विवरण के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही मैं अपने ज्योतिष के क्लासेस भी शुरू कर रही हूँ, तो ये क्लासेस कोई इस प्रकार से नहीं होंगे जैसे कोई एकेडमिक क्लास होती है, बल्कि जितना मैंने सीखा है उतना ही मैं आपको विदित करवाऊंगी। जिन लोगों को ज्योतिष सीखना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिख के दे सकते हैं कि उन्हें ज्योतिष सीखना है, उन्हें मैं फीस और डेज वगैरह डिटेल बताऊंगी। आइए चलिए हम जानते हैं, 1 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि में बुध कन्या में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि 8:38 पर, तो महीना शुभ शुरू हुआ। 2 अक्टूबर को सुबह शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर सिंह राशि उनकी शत्रु राशि है, और इससे शुक्र थोड़ा अनकंफर्टेबल रह सकते हैं, और सिंह राशि
कि स्वामी सूर्य भी बुध के कन्या में प्रवेश करने से ये महीने का पूर्वार्ध मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए अत्यंत उत्तम है या उन लोगों के लिए पूर्वार्ध उत्तम है जिनके कारक भाव हैं कन्या राशि आती है। 3 अक्टूबर को मंगल तुला में जा रहे हैं, ये भी एक अच्छी खबर है क्योंकि मंगल और शुक्र को कई जगहों पर सम भी माना गया है, लेकिन मंगल जब कन्या राशि में थे तो बहुत ही कष्टकारी समय चल रहा था क्योंकि बुध के राशि में मंगल ने काफ़ी त्रासदायक परिस्थितियां जो हैं उत्पन्न कर दी थी। अब सिर्फ 1 से 1.5 दिन बुध के साथ रहने के बाद कन्या राशि में मंगल प्रवेश कर जाएंगे तुला राशि में, जहां पहले से ही केतु मौजूद हैं और मंगल और केतु ये मिलके एक स्फोटक स्थिति बना सकते हैं। हर राशि वालों का राशि भविष्य अलग अलग होगा जो आगे बता रही हूँ। 3 और 4 अक्टूबर को वृषभ के चंद्रमा रहेंगे, उच्च के चंद्रमा रहेंगे। जिन लोगों को स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और साथ में ट्रेडिंग वगैरह करनी होती है, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार करने होते हैं, पैसों के व्यवहार करने हैं, वो लोग 3-4 अक्टूबर को कर सकते हैं। 7, 8 और 9 तारीख को चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे, इस दिन भी ये व्यवहार कर सकते हैं। 7 को शाम 5:16 के बाद चंद्रमा जो हैं वो स्वग्रही होने वाले हैं। 1 तारीख को सूर्य चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका विस्तृत वीडियो आपको मिलेगा। 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रे आरंभ होंगे, 17 अक्टूबर को सूर्य तुला में प्रवेश कर जाएंगे नीच राशि में। यहां से चित्र बदल जाएगा क्योंकि 18 की सुबह बुध भी उनके पीछे पीछे तुला में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या में बुधादित्य योग दोनों ने 16 तारीख तक बनाया हुआ था तो महीने का पूर्वार्ध अति शुभ था। अब बुध की स्थिति फिर भी अच्छी रहेगी क्योंकि तुला में उसके 2 मित्र हैं, एक मित्र के घर और साथ में मित्र के साथ सूर्य जो हैं और शुक्र जो हैं, लेकिन यहाँ पर तुला राशि के स्वामी शुक्र अस्वस्थ रहेंगे और सूर्य भी। 22 तारीख को दुर्गाष्टमी है, इस दिन आप कंजक पूजन कर सकते हैं। 24 तारीख को दशहरा है, आप सबको अग्रिम बधाइयाँ दशहरे की। 24 और 25 तारीख को ही शनि चंद्र विषयोग है और शनि चंद्र विषयोग के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। वैसे मैं आपको सूर्य के उपाय और साथ में शुक्र के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। सूर्य के मंत्र, शुक्र के लिए मंत्र और महालक्ष्मी के मंत्र, देवी के मंत्र, इनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जिन लोगों के लिए कारक हैं वो अवश्य करें। 28 तारीख को शरद पूनम है और इसी दिन खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, जिसका वीडियो विस्तृत आपको मिल जाएगा। इसी दिन सूर्य स्वाति नक्षत्र में शाम 6:25 पर प्रवेश कर जाएंगे, पूर्णिमा समाप्ति रात्रि 1:53 पर हो जाएगी। तो ये था मोटा मोटा आपको महीने का ग्रहों का विचरण, गोचरीय व्यवस्था मैंने बताई। अब मेष से लेके मीन राशि का क्या हाल रहेगा ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ये अब बताने जा रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में हर राशि का उपाय और हर राशि के लिए मंत्र मैंने दिए हुए हैं, आप उन मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, घर में लगा सकते हैं और आभा मंडल को शुद्ध कर सकते हैं। इस माह में गुरु और शनि अभी भी वक्री बने हुए हैं तो ये मुख्य 2 ग्रह वक्री हैं। और तीसरी चीज़ जो मुझे आपको विशेषता बतानी थी वो ये है कि राहु केतु 0 डिग्री पे आ गए हैं, राहु केतु स्टैंड स्टिल हो गए हैं और राहु केतु का असर जो है अब बहुत ही कम हो चुका है मेष और तुला राशि में। इससे गुरु जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में कंफर्टेबल हो जाएंगे वक्री होने पर भी। शनि चंद्र विषयोग जब होगा तो उसका उपाय मैंने डाला हुआ है और सुबह सहर देती हूँ तो शनि चंद्र विषयोग कब है ये भी विशेष रूप से सहर कार्यक्रम जो आपको सुबह सुनने को मिलता है YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पे, इसी चैनल पे,
और मैं फेसबुक पे भी डालती हूँ, तो उसे सुनिए। तो वो शनि चंद्र के उपाय भी बताऊंगी, अभिषेक के और उच्च कार स्वग्रही चंद्रमा क्या फायदा देगा उसके भी विषय में आपको डिटेल्ड बताऊंगी। तो सुबह सुनना ना भूलें, रोज सुबह आता है सोमवार से शुक्रवार आपका डेली प्रेडिक्शन, उसे सुना कीजिए। आइए अब मैं बताती हूँ आपको मेष से लेके मीन राशि का हाल, जो अक्टूबर में रहने वाला है ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुसार। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि चंद्रमा कब उच्च के रहेंगे, चंद्रमा कब स्वग्रही रहेंगे, उसी तरीके से अब मैं बताती हूँ आपको कि 24 और 25 तारीख को चंद्र शनि विषयोग भी होने वाला है, 24-25 अक्टूबर को। तो उन दिनों में आपको कोई भी स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम नहीं करने हैं। और भी ये भी बता दूं आपको कि चंद्रमा जो हैं राहु के साथ कब रहने वाले हैं, तो महीने की शुरुआत में 1 और 2 तारीख को चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे, जहां पर गुरु चांदनी योग तो बनेगा, गुरु के साथ गुरु वक्री हैं, शनि वक्री हैं, लेकिन राहु उपस्थित हैं 0 डिग्री वाले, तो उनका असर भी चंद्रमा पर रहेगा। मेष राशि, मेष राशि के लिए आपके लग्न में गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन अभी चल रहा है, इस पूरा महीना चलेगा। महीने के अंत में राहु जो है वो चले जाएंगे मीन राशि में, लेकिन फिलहाल तो अपना असर दिखा रहे हैं, भले ही 0 डिग्री के हैं। पहले से कष्ट कम हो गया है, नींद ना आना, बॉडी को तकलीफ होना, अपमानजनक स्थितियाँ होना, बेइज्जतियाँ होना, काम ना होना, अंगारक योग की वजह से तबीयत खराब होना, इन सब चीज़ों से धीमे धीमे मुक्ति मिलनी शुरू हो गई है। और गुरु भले ही वक्री हैं, लेकिन गुरु की वजह से आपकी फिर भी स्थिति संभली हुई है। अब आगे चलते हैं, द्वितीय स्थान की बात करते हैं, तो शुक्र जो है आपके द्वितीय स्थान के और आपके सप्तम भाव के स्वामी अब पहुंच गए हैं पंचम भाव में, जो कि अच्छी स्थिति है। पहले आपको कष्ट था घर में, माता को हेल्पर से लेके, सुखों की व्यवस्था को लेके और तबीयत को लेके, लेकिन अब जो है शुक्र विरोधी ग्रह के घर जाने के बावजूद भी शुक्र स्थान बली रहेंगे। पंचम भाव में दैत्याचार्य फिर भी बुद्धिमानी से अपना काम करेगा और उसकी दृष्टि सीधा पड़ती है सप्तम दृष्टि कुंभ राशि पर, जहाँ मीडिया आर्ट से रिलेटेड वो पैसा दिलाने की पूरी कोशिश करता है। इसी तरह जो गुरु है वो भी अपने पंचम दृष्टि से आपके इसी घर को देख रहा है, तो आपका बुद्धिमत्ता का मार्ग फिर भी खुला हुआ है, बच्चों की पढ़ाइयाँ ठीक चल रही हैं। और सप्तम भाव से विवाहित जीवन को देखता है, जहाँ पर विघटन होने की संभावना, आपको संभल के रहना है। कामकाज को भी देखता है, भाग्य भाव को, तो वो आपको फिर भी येन केन प्रकारेण काम देता रहता है। अभी फिलहाल गुरु वक्री हैं, तो ध्यान से कीजिए अपने काम। कन्या के बुध महीने के पूर्वार्ध में आपको खूब फायदा देंगे, बैंकिंग रिलेटेड आपको व्यवसाय से फायदा हो सकता है, जिन लोगों को नौकरी चाहिए उन लोगों को नौकरी लग सकती है, और साथ साथ में बैंक लोन्स वगैरह पास हो सकते हैं, मामा पक्ष से सहयोग, बुधादित्य योग है तो विदेश रिलेटेड काम भी बन सकते हैं, उच्च कोटि की नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। और जो सूर्य साथ में बैठे हैं वो अपने से द्वितीय चले गए हैं, तो ये भी फायदा है कि सरकारी दरबारी कामों से पैसा मिल सकता है, कामकाज बढ़ सकता है, बोलने चालने के काम से खूब फायदा हो सकता है, काउंसलिंग कंसल्टेशन वगैरह के काम से भी खूब फायदा हो सकता है। यही बुध और सूर्य जब आगे बढ़ जाएंगे तुला में, तो नीच के सूर्य आपको पूर्वार्ध के बाद कष्ट दे सकते हैं, विवाहित जीवन में पैसा लाने में और विघटन की स्थिति पैदा ना करें, या एक से अधिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना करें, जहाँ पर आपको कष्ट होगा और तकलीफ हो सकती है, वहीं पर प्रजनन अंगों की तकलीफ भी उत्तरार्ध में ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। पेट के निचले हिस्से का भाग ठीक रहे, पेल्विस वगैरह, तो भी आपको उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। याद रहे कि केतु भी स्टैंड स्टिल हैं, तो जो बहुत ज़्यादा विवाहित जीवन में कलह क्लेश और विघटन की स्थिति थी वो ठीक हो रही है। अब बात करते हैं मंगल की, तो तुला के मंगल लस्ट पैदा करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है आपकी वासना की इच्छा प्रबल हो सकती है, और इसको आपको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि साथ में केतु बैठे हैं, तो ये एक योग जो है स्फोटक योग है, जिससे नुकसान ना हो, कोई
झगड़े फसाद ना हो जाए, कोई गुस्सेबाजी से आपकी बात बिगड़ ना जाए, या आप कुछ गलत काम कर दें या आप कुछ गलत स्टेप उठा लें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी जो शनि महाराज बैठे हैं आपके लाभ में, वक्री होकर पैसे को स्लो कर दिया है उन्होंने, और केसेस विवाद से अभी आपकी मुक्ति नहीं हुई। आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, आपके नर्व्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, या आपको इन दिनों ताया चाचा पिता से कम सहयोग है, फिर भी ये इनके प्रकारण आपकी स्थिति संभली हुई है। चंद्रमा की जब स्थितियां बेहतर होंगी इस महीने में, जो कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया है, तब आपको अपने माता पक्ष से फायदा धन का आना दोनों ही रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए लग्न में चंद्रमा आएंगे तब आप कूल रहेंगे, पैसे मिलेंगे, धन आएगा पर्सनालिटी से, और कर्क के चंद्रमा यात्राओं में आपको लाभ दे सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों से फ़ायदा, स्पेकुलेशन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट से फ़ायदा। वहीं पर अब बुध की उच्च की स्थिति, बुधादित्य योग आपकी उच्च एकेडमिक ईयर का वास्ता देता है, आपको कई सारे काम करवा देगा, बच्चों से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, नौकरी लग सकती है, उच्च कोटि की सरकारी दरबारी लाभ, पैसों का प्रचुर मात्रा में आ जाना। सूर्य की दृष्टि है मीन राशि पर, तो इससे आपको लाभ होना, आपके पिता समान और आपके ताया चाचा या बड़े भाई बहनों से लाभ होना। वहीं पर गुरु जो हैं वो वक्री होकर भी आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं, जिससे घर के और माता के हाल चाल ठीक रहते हैं। आपके कुछ काम ऐसे हैं जो आपको घर से रिलेटेड बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। अभी शुक्र वहाँ पहुँच गए हैं तो रेनोवेशन के काम आप कर सकते हैं, लेकिन अंधाधुंध खर्चे ना करें। केतु और मंगल जो षष्ठ में बैठे तो शत्रु अंता योग तो बनाते हैं, विरोधियों की बहुत बुरी अवस्था हो सकती है, लेकिन आपको गुस्सेबाजी से बचना है, आपको केसेस विवाद से बचना है। आपको अभी लोन्स वगैरह मिल सकते हैं तो बहुत जांच पड़ताल के बाद लें, और विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश न करें। और वैसे भी प्रेम संबंध बिगड़े हुए हैं इन दिनों आपके, आपके भी विदेश रिलेटेड कारोबार भी ध्यान से करें। मिथुन राशि, लग्नेश हैं बुध और वो बहुत अच्छी अवस्था में आ रहे हैं, आपको कई सारे फायदे देंगे। घर से रिलेटेड प्रॉपर्टी खरीदनी है तो खरीद सकते हैं, वाहन खरीदने हैं तो खरीद सकते हैं। माता पक्ष की तबीयत ठीक होगी, जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है उनको डायग्नोस मिल जाएगा, दवाई मिल जाएगी, तबीयत ठीक हो जाएगी। और आपके कई सारे ऐसे काम जो यात्रा में किए थे आपने, उससे आपको अब पैसा भी मिलेगा। शुक्र का स्थानांतरण भी आपके गले से रिलेटेड प्रॉब्लम या आपके कोई धन संचित न होने का जो समस्या है उससे निजात दिलाते हैं, और शुक्र के कारण आपके मीडिया के काम यात्रा में हो सकते हैं, बहुत फ़ायदा भी हो सकता है, मानसिक चैन मिल सकता है, घूमने फिरने का उत्तम प्रयोजन बनेगा और आपको आनंद आएगा। अभी दिमाग में तेजी है, गुस्सेबाजी मंगल केतु बनाते हैं, एक तो मित्रों से असहयोग, मित्रों से आपका टूट जाना, बहुत लोगों से अपमानजनक स्थितियां, बहुत लोगों से बेचैनियां और झगड़े हो जाना, आपके लिए गलत फहमियां बन जाना, इन सब बातों से बचें। अपने बच्चों से रिलेटेड डिसीजन सही लें, गुस्से में ना लें, और किसी से भी प्रेम संबंध ना करें जब तक मंगल यहाँ पर है, क्योंकि ये लस्ट वाला मामला है, यहाँ पर सीरियसनेस नहीं है। अभी फ़िलहाल आपके विरोधी सक्रिय हैं तो संभल के कोई भी गलत डिसीजन ना लें, लोन्स वगैरह लेने में या बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार। आपके बच्चों के जो डिसीजंस हैं वो भी आप शांति से, उनकी सहमति से लीजिए, उन्हें भी शांत रहने के लिए कहिए। फिलहाल धन आता नज़र आता है, मंगल की दृष्टि है मेष राशि पे, और जो धन आता है उसको संभाल के रखें। अभी फिलहाल आपकी गुरु की दृष्टियों से भी यात्राएं शुभ हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, और विवाहित जीवन के संबंध अच्छे रह सकते हैं। हालांकि मानसिक बेचैनी बहुत है आपको, और उसके लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। फिलहाल शनि वक्री, गुरु वक्री आपको कामकाज में स्लो गति देते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद पैसा आता है, जिससे थक गए हैं आप, प्रेम संबंध भी टूटे हुए हैं, शनि ने नर्व्स की प्रॉब्लम, मसल्स की प्रॉब्लम, दर्दों की प्रॉब्लम कर दी है, गैस अटैक्स और एसिडिटी से भी त्रस्त हैं आप, इन सबसे बचने के लिए प्रैक्टिकल रहिए, खाना पीना, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम कीजिए।
कर्क राशि, लग्नेश जब स्वग्रही होंगे और लाभ में होंगे तो बहुत बड़ा फायदा माता पक्ष से माता को, और आप अपना ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं। याद रहे शुक्र का स्थानांतरण आपको बहुत सुहाएगा, आपके जो काम रुक गए थे हो जाएंगे, बोलचाल भी मीठी होगी, परिवार में प्रेम छाएगा। अपने से आपके लग्न से द्वितीय गए शुक्र, तो आपको द्वितीय भाव में शुक्र वैसे भी अपना घर का माना जाता है, संचित धन भी होगा, पैसा भी आएगा और परिवार में खुशी रहेगी, आपको अच्छा लगेगा। बेसिकली अब ये बुधादित्य योग भी आपको यात्रा पे ले जाता है, जहाँ पर काम काज उत्तम व्यवस्थाएं, बड़ा काम मिलना, बड़ा नाम होना, थोड़े दिन है संभाल लीजिए, 1 अक्टूबर के बाद ये स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं। और ये पूर्वार्ध बहुत अच्छा है आपके लिए, जहाँ पर उत्तरार्ध में आपको संभालना पड़ेगा माता की तबीयत, उनको हार्ट की समस्या ना हो, और साथ साथ में संभालना पड़ेगा विदेश रिलेटेड कार्यक्रम, और साथ साथ में आपको संभालना पड़ेगा आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध या आपके प्रेम संबंध। अभी फिलहाल जो स्थिति बेहतर है उसका लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। वक्री शनि की वजह से तबीयत भी बार बार आपकी थोड़ी बहुत पिन प्रिक रह रही है, ऐसे तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिसीजंस आप ही के गलत हैं, बहुत स्टबन हो रहे हैं आप अपनी तबीयत के लिए, और गुरु की दृष्टियों के कारण फिर भी ये स्थितियाँ जो हैं आपकी संभली रहेंगी, और कुछ ना कुछ आपको इधर उधर से लाभ या आपका ध्यान माता रखेंगी, इस बात का ध्यान रखें। राहु स्टैंड स्टिल हो गए हैं, तो अभी जो विरोध है काम में और बिल्कुल भी काम नहीं बन रहा, उससे आपको निजात मिलने वाली है। थोड़ा दिन रुकिए, अक्टूबर के बाद काम एकदम से खुलेगा और काम बढ़ेगा आपका। फिलहाल मैं आपसे यही सलाह दूंगी कि आप जो हैं मंगल की स्थिति जो है उससे भी बचें, क्योंकि घर परिवार में कलह क्लेश या दिमागी बेचैनी, खर्च हो जाना, दिमाग सोच सोच के बच्चों के विषय में, अपने विषय में, इससे बचना चाहिए। और साथ साथ आपको हनुमान जी की और शिव जी की आराधना करनी चाहिए। अब फिलहाल आपको सलाह ये दी जाती है कि पूर्वार्ध में अपने काम कर लीजिए जो महत्वपूर्ण है। सिंह राशि, आपके लिए लग्नेश जो हैं वो अब थोड़े से अस्वस्थ लग्न में आ गए हैं। शुक्र पहले द्वादश स्थान पे थे, तो द्वादश में शुक्र उच्च का माना गया है, तो उसने कुछ काम करवाए होंगे आपके। अब आपके स्वामी जो हैं लग्न के द्वितीय चले गए, वहाँ पर आपको पैसा तो दे रहे हैं सरकारी दरबारी कामों से और भाषा से और काउंसलिंग कंसल्टेशन बोलने के काम, नेता हैं, अभिनेता हैं, तो उससे लाभ हो जाएगा, पैसा भी मिलेगा और कामकाज भी बढ़ेगा आपका। लेकिन जो आपके उत्तरार्ध में जो महीने के बुध और सूर्य आपके तृतीय भाव में आएंगे, उससे कामकाज बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आपको परिवारजनों से कटुता नहीं करनी है, केसेस विवाद संभल के किसी केस में हाथ मत डालिएगा, और अपने ताया चाचा पिता के साथ संबंध अच्छे रखिएगा, धन का नाश मत कीजिएगा, पैसा संभाल के रखिएगा। पूर्वार्ध बहुत अच्छा है, पूर्वार्ध में अपने काम बनाइए, लेकिन तबीयत को विशेष संभालिए। शुक्र का आगमन लग्न में बॉडी पेन, अर्थराइटस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, दर्दें दे सकता है, जिससे बचना है। शनि वक्री हैं, विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो इसका भी ध्यान रखना है, विरोधी उठ खड़े ना हो इसका भी ध्यान रखना है, कोई भी व्यवसाय करना है तो संभल के करना है। और गुरु वक्री हैं, तो आपको मानसिक बेचैनियों को निजात पाने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने हैं, निरंतर अपनी स्थितियों पर वॉच रखना है। लग्न पर गुरु की दृष्टि है, कुछ बुरा नहीं होने वाला, याद रखें, और इन किन प्रकार दिमागी परेशानियां भी दूर होती रहेंगी, बच्चों से सहयोग मिलता रहेगा, पढ़ाई अध्ययन वगैरह ठीक रहेगा, और आपको अभी फिलहाल पेट से रिलेटेड समस्याओं से बचने की ज़रूरत है। हिप्स, नीचे के पैर, नितंब, इन सब चीज़ों से आपको त्रस्त नहीं होना है। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, ज़रूर करें। अच्छी बुध की स्थिति के कारण पूर्वार्ध में आपके पास ढेर सारा पैसा आ सकता है, उस पर ध्यान दीजिए। और स्वग्रही और उच्च के चंद्रमा आपको स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से खूब फायदा दिलवा सकते हैं, विदेशों से भी। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए लग्नेश बुध बहुत अच्छी अवस्था में, लग्न में सूर्य का आना, बुधादित्य योग बनना, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, नाम होना, नेक नामी होना, आप नेता अभिनेता हैं तो बड़ा नाम हो जाना, प्रसिद्धि हो जाना, काम का बहुत बढ़ जाना, ये सब पूर्वार्ध में दिखता है। और उत्तरार्ध में आपको थोड़ा बहुत संभालना पड़ेगा, गुस्सेबाजी, तबीयत खराब वगैरह से बचना है, गणेश जी की आराधना करनी है। अभी शुक्र द्वादश में गए, वो भी अच्छे हैं आपके लिए,
भाई वो लाभ में भी अच्छे थे, लेकिन द्वादश में उच्च के होते हैं तो विदेश रिलेटेड काम करवाएंगे, आपके प्रेम संबंध होंगे, लेकिन फूंक फूंक के करने की ज़रूरत है। मानसिक बेचैनी शनि की वजह से है, तो शिव जी की आराधना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, विशेष रूप से करिए हरे कृष्णा के जाप भी। और अपने पेट से रिलेटेड, नींद से रिलेटेड, इंसोमनिया से रिलेटेड कोई परेशानियाँ हैं या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है तो उससे भी बचें। फिलहाल आपको राहत मिलने जा रही है मंगल से, और फिर भी आपको राहत तो मिली लेकिन हर प्रकार से अपनी कटुता को दिल में दबा के रखें, ज़्यादा बोलें कम, बोलेंगे तो नुकसान होगा। यात्रा में निकलें तो अपना दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं, खर्च हो जाएगा दिमाग नहीं तो। उच्च के और स्वग्रही चंद्रमा काम और पैसा दोनों दिलाने वाले हैं आपको, तो उसके लिए तैयार हो जाइए, पूर्वार्ध में खासकर लाभ होगा। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सती आए रैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सती आए रैया। तुला राशि, तुला राशि के लिए लग्नेश हैं शुक्र, जो स्थानांतरण कर रहे हैं अच्छे के लिए, कामकाज बढ़ेगा लेकिन पैसा जो आने वाला था छिटपुट आएगा। केसेस विवाद से आंशिक रूप से मुक्ति मिलेगी, मानसिक बल मिलेगा और दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स होगा, घूमने फिरने का मन करेगा, थोड़ा सा तबीयत बेहतर होगी पहले से, तो उससे अपने आप को थोड़ा आश्वस्त हो जाएंगे आप। और जो विदेश रिलेटेड काम है वो तेज़ी पकड़ेंगे। अगर आप विदेश रिलेटेड काम नहीं करते तो प्रेमी हैं अगर आपके, वो आपको बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं और उनके सपोर्ट से आप पूर्वार्ध में बड़े काम कर सकते हैं। उत्तरार्ध में भी आपके काम बुध के सपोर्ट से बड़े हो सकते हैं, लेकिन चक्कर ये है कि सूर्य नीच का लग्न में आएगा तो लाभ और पैसा रुक सकता है और तबीयत को विशेष रूप से संभालना पड़ेगा आपको। हड्डी स्कल दांत के स्पाइन से रिलेटेड परेशानियाँ, जननेन्द्रियों से रिलेटेड परेशानियाँ, दर्दें होना, D3 कैल्शियम या स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड परेशानियों से आपको बचना है। अभी जो शनि वक्री की मानसिक बेचैनी है उसके लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ, दुर्गा के जाप मैंने सब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, उसे देखें और करें। और जो गुरु वक्री हैं उसमें आपको विवाहित जीवन में बेचैनी ना हो, यात्राएं शुभ रहें और आपके काम निरंतर होते रहें, लोन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, इसलिए आप विशेष रूप से जो हैं महाकाली की आराधना करते रहें, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें। उच्च के चंद्रमा स्वग्रही चंद्रमा तबीयत ठीक करते हैं, नौकरी दिलाते हैं और ट्रेडिंग शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करवाते हैं आप। वृश्चिक राशि, लग्नेश मंगल तुला में द्वादश में आ गए, झगड़ालू प्रवृत्ति के ना हो, बेचैनी ना करें, विदेश रिलेटेड कारोबार संभल के करें, कार्ड्स पर प्रेम संबंध है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना करें। अगर कोई पहली बार जिसे प्यार हुआ है तो समझ लीजिए कि लस्ट के कारण हुआ है, सिंसेरिटी नहीं है, संभल के खर्चे अनाप शनाप ना करें, अपने खर्चों पर कंट्रोल करें क्योंकि पैसा आने वाला है और पैसा केसेस विवाद से भी निकलेगा और आपके पैतृक संपत्ति से भी निकलेगा, पिता का सहयोग, गवर्नमेंट बॉडी का सहयोग मिलेगा। आपके काम मीडिया से रिलेटेड भी बनेंगे छिटपुट और चंद्रमा स्वग्रही होने के कारण विवाहित जीवन के सपोर्ट से भी बनेंगे, नया नया ऑफर भी मिल सकता है जिससे काम बढ़ा सकते हैं। वक्री शनि आपको घर में बेचैनी अभी भी देता है लेकिन फिर भी आपको माता समान लोगों से खूब फायदा है और माता से फायदा है और आपकी यात्राओं में आपको थकन बेचैनी हो सकती है, इसलिए आप जो हैं पैसा कमाने के लिए जाएं, घूमने फिरने के लिए थोड़े दिन अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा 4 नवंबर तक।
अभी गुरु जो हैं वो भी बकरी हैं, तो दिमाग को एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम में लगाइए। बच्चों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा पुश कीजिए और बिल्कुल भी उनके साथ ढिलाई ना करें, और साथ साथ उनको पढ़ने के लिए कहते रहें, गलत संगत ना हो उनकी, और आप जो हैं पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन ना हो। यही महीना बेचैनी वाला है, आगे वाला अच्छा है। पूर्वार्ध में बुध और सूर्य से भी आपको खूब फायदा होगा कामकाज में, और तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। उत्तरार्ध में थोड़ी बेचैनी तबीयत को लेकर या अपने कामकाज को लेकर और गवर्नमेंट बॉडी के असहयोग से हो सकती है। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश अभी भी वक्री, कामकाज में गति नहीं, बहुत स्लो चल रहा है आपका कामकाज। आपको जो गति चाहिए थी वो अब मिलेगी, और उस गति में आपको सही डिसीजन लेने हैं, बड़ा काम हाथ में लेना है, और माता पक्ष का सहयोग लेना है, उनकी तबीयत का ध्यान रखना है। यात्रा पर निकले तो खूब आपको आनंद मिल सकता था, लेकिन अगर आपको शनि वक्री से बेचैनी होती है तो याद रखें, अपना धन खर्च करके भी आराम से रहें, जहाँ भी जाएं बेचैनी ना करें। अब आपके शुक्र निकल गए अष्टम से, तो मोटापा और प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानियाँ, डायबिटीज़ से रिलेटेड परेशानियाँ ख़त्म, और थोड़ा बहुत अड़चने हैं कामकाज में, लेकिन संभल के रहिएगा, किसी के साथ भी कोई अनुबंध मत करिएगा। अभी फ़िलहाल जो स्वग्रही चंद्रमा और उच्च के चंद्रमा आपको लोन्स वगैरह दिलवा सकते हैं, नौकरी से रिलेटेड अच्छी खबरें दे सकते हैं, और गुरु वक्री आपको फिर भी संभाले रखते हैं कामकाज के लिए या अपनी सोच के लिए, फिर भी आप कुछ सही डिसीजन लेके आगे बढ़ते हैं। और राहु स्टैंड स्टिल हो गए, केतु स्टैंड स्टिल हो गए, तो अब उसका बुरा असर भी ख़त्म हो रहा है। पूर्वार्ध में आपको अपने करियर से रिलेटेड काम फटाफट बनाने चाहिए, उत्तरार्ध थोड़ा सा अड़चन देने वाला है। मकर राशि, लग्नेश शनि अभी वक्री, अपने से द्वितीय, पैसा कमाने की होड़, भाग दौड़, परिवार से सपोर्ट, लेकिन फिलहाल थोड़ा असहयोग है, और ये 4 नवंबर के बाद ठीक होगा। बोलने चलने में कटुता कम कीजिए तो ही पैसा आएगा। फिलहाल गुरु की स्थिति ऐसी कि यात्राओं में आप ना निकलें तो ज़्यादा अच्छा, तबीयत संभालिए। जो शुक्र आया अष्टम में, तो आपको डायबिटीज़, मोटापे से रिलेटेड परेशानियाँ, प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानियाँ, दर्दें, कैल्शियम D3 वगैरह से रिलेटेड। फिलहाल बैंकिंग किस पे करेंगे आप, बुध आदित्य योग पर, जो भाग्य में जाएगा, और इससे आपको लोन्स मिलना, इससे आपके काम बड़े बड़े बन जाना, गवर्नमेंट बॉडी का आपको सपोर्ट, विवाहित जीवन का सपोर्ट, और नौकरी पेशा लोगों को नौकरी लग जाना, इंक्रीमेंट होना, ये सब फ़ायदे हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप मंगल की भी स्थिति समझ लीजिए कि मंगल आपको जमीन जायदाद से रिलेटेड काम करवाते हैं, खर्चा करवा देते हैं, पैसा केसेस विवाद पे, कामकाज पे, इससे बचना है आपको, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो सकते हैं आपके, आपके पिता समान लोगों का आपको सहयोग मिल सकता है, नौकरी लग सकती है, और कामकाज के स्थल पर प्रेम संबंध भी हो सकते हैं। उच्च के और स्वग्रही चंद्रमा बच्चों से फ़ायदा, विवाहित जीवन से सपोर्ट दिलवाते हैं आपको, और कामकाज में बढ़ोतरी करवाने में उन 2-2.5 दिनों में अगर आपने पुश किया तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। कुंभ राशि, लग्न में शनि वक्री, गुरु वक्री द्वितीय के स्वामी, तो पैसा नहीं है इस बात का बेचैनी, इस बात की परिवार को चिंता, धन का आगमन कम है इस बात की चिंता, फिर भी ये इनके प्रकारण राहु के स्टैंड स्टिल होने से कहीं ना कहीं से धन आएगा और आपकी आपूर्ति होती रहेगी। फिलहाल ससुराल पक्ष के साथ मिलके काम करना, विवाहित जीवन के साथ मिलके काम करना, और उनके सहयोग से अपना चला लेना ज़रूरी रहेगा, तबीयत भी ठीक हो जाएगी, आपके कुछ क्या कहते हैं आत्मिक बल बढ़ेगा, आप पूजा पाठ में हैं तो आपको अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होंगी, और आप जो हैं कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगे अपने काम का, अपने बिजनेस का, और बिजनेस बढ़ सकता है। आपके बच्चों से रिलेटेड आपको परेशानियां हैं तो उनकी भी उन्नति हो सकती है और उनका भी कामकाज हो सकता है। फिलहाल स्ट्रगल है थोड़ा, भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन काम हो जाएगा। शुक्र का स्थानांतरण विवाहित जीवन में कुछ थोड़ा बहुत आपको रिलैक्सेशन दे सकता है, लेकिन प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानियों से आपको बचना है। स्वग्रही चंद्रमा और उच्च के चंद्रमा आपको
थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, माता पक्ष से थोड़ा आपको प्यार प्रेम मिलता है, घर में आराम मिलता है, लोन्स वगैरह मिलने की बात हो जाती है तो रिलैक्स होते हैं, मामा पक्ष से सहयोग मिलता है और जो शनि चंद्र विष योग है उसमें आपको अपनी तबीयत संभालने की विशेष ज़रूरत पड़ती है और प्रेम संबंध संभालने। मंगल की स्थिति कहती है कि काम काज जो है वो बढ़ा हुआ है और मंगल जो है आपके लिए यात्राओं पर भी आपको ले जा सकते हैं और आपके काम काज पर खर्च भी करा सकते हैं, तो खर्चा थोड़ा कम कीजिए, महामृत्युंजय के जाप करते रहिए और यात्रा में निकले कहीं निकले कामकाज के दौरान कामकाज ही करें, प्रेम संबंधों की बातें और उसमें अपना टाइम खोटी ना करें। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्नेश गुरु वक्री हैं, अपने से द्वितीय गए तो थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, राहु के साथ हैं, राहु स्टैंड स्टिल है, केतु स्टैंड स्टिल है, तो अभी थोड़ा सा अभी परेशानियां कम हैं, लेकिन ये विचित्र सी स्थिति है क्योंकि आगे लग्न में राहु आएंगे, इसलिए अभी से प्राणायाम योग मेडिटेशन एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। धन की व्यवस्था विदेशों से हो सकती है, धन की व्यवस्था आपके कुछ लोन्स वगैरह प्राप्त करने के लिए कुछ चाहते हैं तो कठिनाइयां तो बहुत हैं लेकिन कुछ आंशिक हलचल हो सकती है। याद रखें विवाहित जीवन के साथी और कोई आपको सहयोग दे दे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ या गवर्नमेंट बॉडी से सहयोग मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, अपना आत्मिक बल भी आपको सहयोग दे सकता है। खाली प्रोवाइडेडली आप झगड़ाबाजी में ना पड़ें, चोटें ना लगें, जल्दबाजी ना करें और वाहन आराम से चलाइए, ब्लड प्रेशर से बचें और तबीयत हर तरह से अच्छी रखें। आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से भी कई काम बन सकते हैं लेकिन आपको सावधानी से उनके साथ बिना झगड़ा किए अपने काम करने हैं। कार्यों पर अनावश्यक पैसे ना लगाएं नहीं तो उसमें आप परेशान होंगे। स्वग्रही चंद्रमा उच्च के चंद्रमा आपको कूल रखने में मदद करेंगे, बच्चों से 5 दिन तो अच्छे जाएंगे और उनके साथ कम से कम बड़ा बड़ा काम भी हो सकता है, उनकी उन्नति भी हो सकती है, पढ़ाई में यात्राएं शुभ हो सकती हैं। चंद्रमा जब शनि चंद्र विषयोग बनाएंगे तो अपने प्रेम संबंधों में ठीक रहिएगा, बेकार में अपने बेचैनी मत करिएगा, महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं आप उस दौरान। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको अक्टूबर विषय का सरसरी क्या हालचाल रहेगा, फिर मिलूंगी अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।